दोस्तों, अगर आपका एक फैक्ट चैनल है या आप फैक्ट चैनल बनाने की सोच रहे हैं और आप एक ऐसे चैनल की तलाश में हैं, यहाँ से आपको बहुत सारी एनिमेशन वीडियो मिल जाएं अपने फैक्ट शॉट के लिए और आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भी ना आए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा यूट्यूब चैनल लेकर आया हूँ, यहाँ से आपको ढेर सारी एनिमेशन वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको डाउनलोड कर अपना फैक्ट शॉट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही कर लीजिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको उस चैनल के बारे में बताता हूँ जहाँ से आपको कार्टून एनिमेशन वीडियोस को लेना है। तो यहाँ मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, जो मैं टाइप कर रहा हूँ उसको ध्यान से आपको देख लेना है। तो उस चैनल का नेम है बॉक्स ऑफिस मूवी सीन। यहाँ पर इस चैनल का नेम थोड़ा लॉन्ग है, आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने साइड पर भी लिख दिया है बॉक्स ऑफिस मूवी सीन एनिमेशन। तो अब मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए, इस चैनल को मैं ओपन कर लेता हूँ और इनका सब्सक्राइबर बेस देखिए 5.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं और 312 वीडियो इन्होंने डाल रखी हैं। तो अब मैं इनके वीडियो वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, आपको ढेर सारी एनिमेशन वीडियो मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको इनको डाउनलोड कर लेना है अपना फैक्ट शॉट बनाने के लिए। अब आपको इनकी कौन सी वीडियो यूज़ करनी है, देखिए आपको इनकी रिसेंट वीडियो को यूज़ नहीं करना, आपको मोस्ट पॉपुलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपके सामने वीडियोस आ रही हैं पहले आपको इनको ही यूज़ करना है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, बस जैसा मैं आपको कह रहा हूँ आपको ऐसे ही वीडियोस को लेना है, यहाँ पर इनके मोस्ट पॉपुलर पर क्लिक करना है और वहाँ से आपको वीडियोस को डाउनलोड करना है और अपना वॉइस ओवर कर फैक्ट शॉट बना लेना है। अब बात आती है कि कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपको फ्यूचर में आपको लगता है कि इस चैनल से आ सकता है, तो आपको इस चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देना है क्रेडिट बाय लिखकर, और इस चैनल का नेम का आपको हैशटैग भी लगा देना है। तो दोस्तों, जब भी आपको इस चैनल से वीडियो को डाउनलोड करना है और जब आप उस वीडियो को एडिटर में लेकर अपना फैक्ट शॉट बनाओगे, तो उस वक्त आपको फिल्टर कर देना है इस वीडियो को। तो दोस्तों, इससे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा आपको। तो बाकी उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको आज की वीडियो में बताया वो आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।